नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष बैनर्जी। आप देख रहे हैं आरएनडी टेक और स्वागत करता हूं आपका टिकटॉक के फ्रेश एपिसोड में, जिसमें आज मैं आपसे बात करने वाला हूं Xiaomi Mi 8 Explorer Edition के बारे में। तो ज्यादा वक्त नहीं गवाते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। यार मुझे आजकल ये लोकेशन ज्यादा अच्छी नहीं लगती, कहीं और चलें? चलते हैं। तो स्वागत करता हूँ मैं आपका टिकटॉक के इस फ्रेश एपिसोड में, जिसमें आज मैं आ गया हूँ पता नहीं एक वीराने से लोकेशन पे। मेरा टेलीपोर्टेशन डिवाइस काफ़ी अच्छा काम कर गया, इसके बाद मैं सीधा जाऊँगा अपने घर। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ थोड़े से अलग ढंग में Xiaomi के Mi 8 Explorer Edition के बारे में। तो Explorer सर जो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है एक्सप्लोर करना, सो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग मेरे आसपास के सराउंडिंग्स और मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पर एक वीराने से जगह पे। सबसे पहले बात करें अगर यहाँ पर डिस्प्ले की, तो बिल्कुल सेम रखी गई है Xiaomi के Mi 8 जैसी। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 6.21 इंचेस का फुल HD पैनल, जो कि एक AMOLED पैनल है। ऊपर की साइड आपको देखने को मिल जाता है एक नॉच। अब इस नॉच की खासियत यह है कि अभी तक किसी भी एंड्रॉइड में आपको 3D फेस रिकॉग्निशन देखने को नहीं मिला था, जो कि आपको देखने को मिलता था iPhone X में। यहाँ पर आपको 3D फेस रिकॉग्निशन का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको पूरी तरह से सारे हार्डवेयर प्रोवाइड किए जाते हैं ऊपर की तरफ, जहाँ पर 3D आपकी फेस की मैपिंग होती है और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक और खास बात रखी गई है इस एक्सप्लोरर एडिशन में, वो ये है कि यहाँ पर आपको कोई फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलता है। अभी कुछ हफ्तों पहले ही वीवो का X21 भी मार्केट में लॉन्च हो गया था, जिसमें पहली बार आपको एक ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट डिस्प्ले देखने को मिलता है, और ये होगा दूसरा डिवाइस जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेम ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट डिस्प्ले। अब इस डिवाइस में एक और विजुअली अपीलिंग चीज़ रखी गई है, वो ये है कि इसके पास पीछे की तरफ कोई ओपेक बैकग्राउंड या फिर ओपेक बैक पैनल नहीं है। ये ट्रांसपेरेंट कह रहे हैं इसको, बट मैं कहूँगा इसको एक ट्रांसलूसेंट पैनल, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं इसके इंटरनल्स, बैटरीज वगैरह सब कुछ। और बात करें अगर इंटरनल्स की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं बहुत ही सस्ते रेट में, इवन वन प्लस 5 से भी कम के रेट में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 845 चिपसेट। यहाँ पर आपको एक ही स्टोरेज कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, वो मिलता है 8GB रैम और 128GB का ऑनबोर्ड स्टोरेज। अगर कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल के डुअल रियर फेसिंग कैमरास, और सामने की तरफ आपको 20 मेगापिक्सल का एक कैमरा मिलता है। यहाँ पर जो पिक्सल की साइज़ रखी गई है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, काफ़ी बड़ी रखी गई है मेरे हिसाब से। एंड 4-axis OIS का सपोर्ट भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। अगर प्राइसिंग की यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर जो प्राइसिंग रखी है चाइना लॉन्च पे, वो है तकरीबन 3,500 yuan से लेकर 4,000 yuan के बीच में। जो मेरे को एग्जैक्ट फिगर अभी देखने को मिलेगा वो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा।
तो देखने की बात ये होगी कि Xiaomi क्या ये डिवाइस अपना इंडिया में लेके आता है। हालांकि एक्सप्लोरर एडिशन मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा बेट होगा OnePlus 6 के ऊपर, क्योंकि OnePlus का जो 8GB और 128GB वाला वेरिएंट है जो कि आ रहा है, ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च हो गया है, वो आ रहा है 40,000 के नीचे के रेंज में। तो क्या Xiaomi अपने इस MI 8 एक्सप्लोरर एडिशन को लेके आता है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें प्रोवाइड की गई है वो इनफैक्ट OnePlus क्या वो तो इंडस्ट्री ग्रेड के अभी फ्लैगशिप डिवाइसेज में भी अवेलेबल नहीं मिल रही। यहाँ पर आपको पहली बार एंड्रॉइड में 3D फेशियल रिकॉग्निशन वाला हार्डवेयर भी देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ अगर सॉफ्टवेयर फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एंड्रॉइड ओरियो, और उसी के साथ आपको मिलता है MIUI 10 का सपोर्ट यहाँ पर। तो सॉफ्टवेयर फ्रंट में भी यहाँ पर कोई आपको समझौता नहीं करना पड़ा। अब मेरे हिसाब से ये वाले डिवाइस अगर इंडिया में आया तो लोग बाग खरीदने में काफ़ी इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि एक नए तरीके का कॉन्सेप्ट है। बट जो चीज़ मेरे को ख़राब लगी इस डिवाइस के बारे में वो ये है कि इसमें नाम भी वही रखे गए हैं और कुछ नई चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया है। ये सारी वही चीज़ें हैं जो हमें पिछले साल आईफोन में या तो देखने को मिल गई थी, या फिर जो इस साल के सारे हाइप्स हैं, कुछ भी नया नहीं लेके आ रहा है। सेम सारी चाइनीज़ कंपनी से मेरी एक ही कंप्लेंट है। OnePlus 6 भी आया, काफ़ी सेफ डिवाइस था, कुछ भी नया फीचर नहीं आया। नॉच का सपोर्ट हमें दोनों ही डिवाइसेज में देखने को मिल गया, OnePlus में भी, अब इसमें भी MI 8 के भी वेरिएंट्स में। अब आने वाली वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे Xiaomi के Mi 8 और Mi 8 SE के बारे में। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा और आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा एक्सप्लोरर एडिशन से, तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव, या अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही ऑसम कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहूं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सपोर्ट दिखाना मत भूलिएगा। और फाइनली अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन को इनेबल कर लीजिएगा ताकि आपको पता चलते रहे मैं अपनी अगली वीडियो कब लेकर आता हूं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे मैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अब मैं घर कैसे जाऊं? हाँ।